हाँ जी किसान दोस्तों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सारे ही किसान वीरां नूं जिहड़े जिथों तक भी मेरी आवाज जांदी है, साडे दोनों फोरमां वल्लों संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक ते KMM वल्लों जो यह अंदोलन शुरू किया गया है, इस अंदोलन के दौरान फैसला लिया गया है दोनों फोरमां वल्लों सांझे तौर ते कि शहीद आजम सरदार भगत सिंह होरां दा शहीदी दिहाड़ा 23 मार्च नूं सारे बॉर्डरां दे उत्ते मनाया जाना है। पहला सीगा कि केवल खनौरी ते शंभू बॉर्डर ते मनावांगे, हुण अदर जिहड़े चल रहे ने साडे मोर्चे, सारे मोर्चां दे उत्ते इन्हां साडे शहीदां दा दिन मनाया जाना है। मेरी बेनती है कि वध तों वध किसान, वध तों वध साडियां भैणां, वध तों वध साडे दुकानदार ते साडे मजदूर वीर इन्हां प्रोग्रामां दे विच शिरकत करन। मोर्चा चढ़दी कला च है। हां, एक गल होर दसदिआं कि दो दिन तो बहुत सारा मतलब भरम भुलेखे पाए जा रहे ने कि जी चोण जाबता लागू हो गया, कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने तो बाद हुण बैठन दा की फायदा। दोस्तों, गल स्पष्ट है कि असी कोड ऑफ कंडक्ट तो एक महीना पहला दे आए बैठे हां। सरकार दी नलायकी है, सरकार दी बदनीयत है कि साडे मसले हल करन दी बजाय मसलियां नूं लटकाया जा रहा, लमकाया जा रहा है। और ये साडी हुण मतलब समय दे मुताबिक बनदी लोड़ है कि जिन्नी देर तक दोबारा सरकार नहीं बनदी उन्नी देर तक असी आपदे अंदोलन नूं जारी रखना है, क्योंकि इस वेले तुसीं सारियां पोलिटिकल पार्टियां दे पूरे देश दे, इत्थों तक ही नहीं कि वर्ल्ड दे एजेंडे ते तुसीं आ चुके हो, किसानी दा इशू आ चुक्या है। सो इस करके इस लड़ाई नूं होर अगे तोरदिआं, होर अगे वधाउंदिआं सगों मोर्चे वधाउण दी लोड़ है। साडे जिहड़े इस वेले मोर्चे चल रहे ने, शंभू ते मोर्चा चल रहा है, खनौरी ते मोर्चा चल रहा है, डब वाली फतेहाबाद ते मोर्चा चल रहा है, नाल दी नाल रतनपुरा चुटाला रोड दे उत्ते राजस्थान दे विच वी इह मोर्चा चल रहे ने। सो इह जिन्ने थावां दे उत्ते साडे मोर्चे चलदे ने, पीसफुली साडा अंदोलन है। सानूं साडे संविधान ने राइट दित्ता होया है कि असी आपदी लड़ाई, आपदी मंग रख सकदे आ। सारियां पोलिटिकल पार्टियां तों साडी इह लड़ाई है, साडी मंग है। सो इस करके चोण जाबते दी आड़ दे विच कोई भी प्रशासन कितों भी अजिहा कुछ करन दी कोशिश ना करे कि साडे धरनाकारियां नूं प्रोटेस्ट करन वाले लोकां नूं परेशान करे। सो इह बर्दाश्त नहीं कीता जाएगा। पूरी तरह पीसफुली शांतिपूर्वक ढंग दे नाल साडा अंदोलन चलदा है। ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਹ ਆੜਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਆਪਦੀ ਹੱਕੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।